आज है हरतालिका तीज और हरतालिका तीज का अपना ही महत्व होता है, यानी कि ईस्टर्न इंडिया में इसकी बहुत मान्यता होती है। माना जाता है कि पार्वती ने जी ने इसी दिन शिव भगवान को अपने पति स्वरूप में पा लिया था, इसी दिन उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। इसलिए हर स्त्री, विवाहित स्त्री यह पूजा करती है, अर्थात कुंवारी महिलाएं भी इस पूजा को कर सकती हैं। पार्वती जी ने अब जंगल में शिवलिंग बनाकर, माना जाता है कि अपने केश से शिवलिंगा बनाकर दिन रात भगवान की आराधना की थी बिना जल और अन्न के। इसलिए कोई स्त्री भी जल और अन्न का त्याग करते हुए आज का व्रत करती है। ये व्रत कठिन तो है ही, पर साथ में इसे करने का अलग ही सुकून भी है। लोगों की इससे बहुत सारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। कई बार पति खूबसूरत तोहफा उपहार लेकर आते हैं और कुछ पति तो आजकल के मिलेनियल्स कपल तो साथ में उपवास में सहयोग भी देते हैं। इसीलिए यही सब बातें इस व्रत को बहुत खास बनाती है। मम्मी प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो क्या प्रसाद बनाने का सोचा आपने? लॉकडाउन में कैसे तीज को सक्सेसफुल बनाओगे? अच्छा, तो कैसा लग रहा आपको बेटी ने आपकी तैयार किया है? तो लोग कर रहे हैं तीज की सेलिब्रेशन की तैयारी और जा रहे हैं मंदिर, जो कि अंदर ही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। चलो तीज पर्वती लोग मुझे देख लीजिए एक बार, देखिए मम्मी फोटो नहीं खिला, वीडियो चलो जाओ, फोटो बाद में ले मंदिर में। और हम आ गए हैं मंदिर, ये हमारे यूनिट का मंदिर है और यहाँ बहुत सारी जो भी आसपास क्वार्टर्स में जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। और ये लोग पर्वती लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पूजा करेंगे, पारण कब होगा। और माना जाता है कि अगर आप अपने विवाह के सिंदूर को लगाएं तो बहुत शुभ होता है। और ये पूजा करने के लिए अंदर मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर में सारे भगवान हैं, राम दरबार है, माँ दुर्गा है, क्योंकि हम कोलकाता में है तो माँ दुर्गा का बहुत महत्व है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी स्त्रियां मंदिर में आई है पूजा करने के लिए, कथा अर्चना के लिए। क्यों करते हैं हम बताइए, और कुछ बताइए, पति का लंबा उम्र और कोई बात नहीं कि और अच्छा लग रहा है आप लोग को व्रत करके? झूठ क्यों बोल रहे हो? थके हारे अब मंदिर से घर जा रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं घर में, ये रहा हमारा छोटा सा मंदिर, ये दान पुण्य का सारी सामग्री। और अब कथा मेरे पापा पढ़ रहे हैं और माँ, साथ में आंटी, उनकी सास दादी सब आए हुए हैं। तो छोटा मोटा तीज हमेशा सेलिब्रेशन और खुशियों का माहौल लेकर आता है। कथा, कथा का मतलब है इंस्पिरेशन, कथा जो इंस्पायर करे। तो कथा से लोगों का फेथ, विश्वास बना रहता है इसमें। और आरती के बिना तो हर अनुष्ठान अधूरा वैसे ही रहता है। आरती का बहुत महत्व है, हर पूजा के बाद आरती जरूर होनी चाहिए। और यहाँ भी उसी तरह आरती कर रहे हैं सभी लोग मिलकर। और जब लोग आ जाएं तो मतलब खुशियाँ दुगनी हो जाती है, बोलते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और भजन के बिना तो हर पूजा यूं ही अधूरा है। तो भजन कीर्तन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती जी भी इस दिन नहीं सोई थी, तो इसलिए सब रात भर जगकर भजन कीर्तन करते हैं और खूब मजे से अपनी जिंदगी की खुशहाली की कामना करते हैं। और ये एक परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है, इसे स्नेह जोड़ना कहते हैं। और ये हर रीति रिवाज सब लोग फॉलो करते हैं, नाक से लेकर अपने सर तक सिंदूर। कुछ लोग इसे खराब कहते हैं, पर परंपरा तो परंपरा होती है। जैसे पंजाब में चूड़ा, हमारे यहाँ ये। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें बहुत मजा आया तीज मनाकर, खुशहाली, सबकी सुख समृद्धि की कामना कर। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि और किस त्योहार, ईस्टर्न इंडिया के त्योहार का ब्लॉग देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, डू कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब।